नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाली किसी नई फिल्म, ट्रेलर, गाने का आईना, जो होते हैं उनके दर्शक, जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए। और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं, जो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। होली का सीजन आने वाला है, लेकिन इस होली के सीजन को और रंगदार बनाने के लिए सारे भोजपुरी के सिंगर अपने गाने रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के गायकी के बिना हर त्योहार अधूरा है। इसलिए उनके होली गीतों का जिस जिस को इंतजार था, उसका इंतजार थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि पवन सिंह का पहला गाना रिलीज हो गया है, जिसके बोल है फलाना बो धरैली हो होलिया में। ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज हुए इस गाने को एक ही दिन में लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत तारीफें की हैं, लेकिन कुछ लोगों को पवन सिंह का ये गाना पसंद भी नहीं आया है। तो ऐसे ही हम कुछ आलोचना भरे कमेंट्स और कुछ अच्छे कमेंट्स, यानी जिन्होंने पवन सिंह की तारीफ की है, ऐसे कमेंट्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पवन सिंह के इस गाने से जुड़ी एक खास जानकारी जान लीजिए। यहाँ आने वाले होली के त्योहार में अभी से रंग डालने और दर्शकों में उत्साह भरने के लिए भोजपुरी सिंगर्स उतर चुके हैं सोशल मीडिया के मैदान में, जहां एक से एक इनके होली के गीत रिलीज हो रहे हैं और दर्शकों को पसंद भी आ रहे हैं। अभी तक गीत एक रिलीज नहीं हुआ था जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। वो गीत था पवन सिंह का गाया हुआ पहला गीत, जो रिलीज हुआ बीते दिन पहले, और ये बेताबी दर्शकों में देखने को भी मिली। जब गाना रिलीज हुआ तो लोगों ने हाथों हाथ इस गाने को लिया और सिर्फ 22 घंटे के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गाने को सुन लिया है। गाने के बोल हैं फलाना वो धरैली हो होलिया में। इस गाने को आरआर पंकज ने लिखा है और पवन सिंह ने गाया है। पवन सिंह की आवाज में वैसे भी सारे गाने हिट होते हैं, तभी तो तीन गानों से महा रिकॉर्ड हाईएस्ट व्यूज का पवन सिंह के नाम ही दर्ज हो चुका है। लेकिन जल्द ही इसका वीडियो सॉन्ग भी आप लोगों के बीच होगा। तो वहीं दूसरी खबर ये भी है कि पवन सिंह का दूसरा गाना एक दिन के अंतराल में रिलीज कर दिया जाएगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग पवन ने पूरी कर ली है और एक तस्वीर अपने फैंस के लिए शेयर की है, जिसमें पवन सिंह के साथ एक फीमेल सिंगर सोना सिंह भी नजर आई हैं। जल्द ही पवन सिंह का दूसरा गाना भी आप लोगों के बीच रिलीज होने वाला है। तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और पवन के सारे गानों को दीजिए अपना खूब सारा आशीर्वाद। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। गायकी के मामले में पवन सिंह अभी तक सोशल मीडिया पर तीन गानों से हाईएस्ट व्यूज के रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन उनके हर गानों को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। कौन से हैं वो दर्शक जो पवन सिंह के गायकी के बहुत बड़े फैन हैं, जो पवन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके हर गानों पर बहुत तारीफें करते हैं? कौन है वो जो पवन सिंह के गानों को सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं और कमेंट के जरिए बहुत अच्छी अच्छी बातें पवन के लिए लिखते हैं, इवन पवन की आवाज़ पर अपनी जान तक छिड़क देते हैं? देखिए, पहला कमेंट विष्णु कुमार प्रजापति का है, जो लिखते हैं पवन सिंह लव यू। आशीफ समी लिखते हैं टाइगर इज बैक इन भोजपुरी इंडस्ट्री फॉर पवन सिंह। प्रिंस कुमार लिखते हैं सुपर्ब सॉन्ग पवन सर लव यू। अभिषेक सिंह लिखते हैं लाख गाल सॉन्ग गाना, लेकिन जब भोजपुरिया शेर अपन मुंह खोली तो कौनो जना के आगे टिकिए नहीं। जय हो भोजपुरिया शेर पवन भैया की। अंकित उपाध्याय लिखते हैं पवन सिंह की वापसी हो गई मार्केट में, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, 2019 उनका साल है। जो लोग मेरे बात से एग्री हैं वो लाइक करें। अंकित पांडे लिखते हैं पवन भैया के गले में साक्षात माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं और इनके चाहने वालों का आशीर्वाद भी हमेशा इनके साथ रहता है। अंकित पांडे लिखते हैं सुपर्ब हिट सॉन्ग है भैया, आपके जैसा कोई नहीं है, जियो शेर। सरोज के जान पवन लिखते हैं वीडियो बनावा पवन भैया रिक्वेस्ट बटे। मनोज कुमार चौबे लिखते हैं क्या गाना है, वाव सर आप सुपर से भी सुपर हैं। अजीत विश्वकर्मा लिखते हैं नाइस सॉन्ग पवन भैया। रोशन कुमार लिखते हैं क्या भाई लोग, जैसा लगा कैसा लगा जरूर बताइए। रवि चौबे लिखते हैं तहलका मच गए हो होली सॉन्ग 2019। संदीप कुमार लिखते हैं क्या बात है भैया, नए अंदाज में होली सॉन्ग तहलका मचा दो भाई लोग। अंकित पांडे लिखते हैं आपके सिंगिंग और एक्टिंग दोनों का कोई जवाब नहीं है। अंकित पांडे लिखते हैं जियो भोजपुरिया शेर पवन भैया। नीरज सिंह लिखते हैं मस्त है पवन भैया, जियो आरा के शेर। फोनू सिंह लिखते हैं बेस्ट सॉन्ग होली के भाई। विनस भोजपुरी लिखते हैं जब चले पवन तरोके कवन। रीशु कुमार लिखते हैं जियो शेर फैंटास्टिक सॉन्ग।
सचिन कुमार लिखते हैं वेरी नाइस होली सॉन्ग जियो शेर। रंजन सिंह लिखते हैं 2019 नंबर वन गाना। अंकित पांडे लिखते हैं जो पवन के भक्त हैं और ये लिखते हैं आपके समान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा ना सिंगर है ना एक्टर है और आप अद्वितीय हो बॉस। पिछले कुछ सालों से पवन सिंह की तुलना बाकी के स्टारों से भी हुई है, कई बार भिड़ंत भी हुई है, ऐसे में कुछ आलोचना भी उनको सहने को मिलती है। यानी एक इंसान हर किसी को तो इम्प्रेस नहीं कर सकता ना, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है उस तरह से कुछ आलोचक भी हैं और वो आलोचक उनके गानों में कोई ना कोई कमियां निकाल ही देते हैं। इस गाने में कौन सी कमी निकाली है या कौन सी फरमाइश की है देखिए जरा। रंजन यादव लिखते हैं इन्होंने खेसारी से कंपेयर किया है और इन्होंने बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे जिसके कारण हमें इन्हें आलोचना भरे कमेंट्स में डालना पड़ा। अविनाश सिंह लिखते हैं बकवास है, मनोज मतलबी का गीत में जान होता था ये बकवास है। सतीश सिंह लिखते हैं चाहे जो कहो खेसारी, इन्होंने भी खेसारी और पवन की तुलना की है इसलिए हमें इन्हें आलोचना भरे कमेंट में डालना पड़ा है। बमलेश यादव लिखते हैं अच्छा है पर अश्लील है। चंदन कुमार लिखते हैं इहो कौनो गाना हो। तो बस इतने ही आलोचना भरे कमेंट हमें पवन के इस गाने में मिले जिससे ये साबित होता है कि पवन का पहला होली गीत सभी को पसंद आया है। यहाँ तक कि जिसने आलोचना की है उसने भी पवन सिंह की इस गाने की बुराई नहीं की बल्कि सिर्फ तुलना की है किसी और से। तो पवन सिंह का पहला होली गीत भी सफल रहा क्योंकि लोगों को पवन सिंह का पहला होली गीत काफी ज्यादा पसंद आया है। बड़ी तेजी से इसके व्यूज आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन में 6 लाख से ज्यादा लोग इस गाने को सुन चुके हैं। सीजनल गाना होने के बावजूद मार्केट में इस गाने की खूब डिमांड है। ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है और बेशक से लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज्यादा लोगों को ये गाना पसंद भी आया है। इसलिए आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और फिल्म नाम चेहरे हस्ती गाने ट्रेलर का आईना लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।